A new topic of chapter Matters in Our Surroundings is latent heat of fusion. Latent heat of fusion क्या होता है? The heat required to convert a solid into a liquid state. जो heat की requirement होती है किसी solid substance को liquid में convert करने के लिए, जो heat की requirement है उसको हम बोलते हैं latent heat of fusion, और उसको हम बोलते हैं latent heat of melting. एंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इन टू वेपर स्टेट. अगर हमने किसी लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. अगर हमने किसी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है और लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में. जैसे सॉलिड टू लिक्विड चेंज, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैन बी स्टडीड बाय परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एज फॉलोस. तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसको समझेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को. वी टेक सम क्रश्ड आइस इन ए बीकर. हमने एक बीकर में क्रश्ड आइस पीस रखे हैं. एंड सस्पेंड ए थर्मोमीटर इन इट. और उसमें हमने क्या सस्पेंड कर दिया? थर्मोमीटर सस्पेंड कर दिया. वी नोट दैट द टेम्परेचर ऑफ द आइस इट इज़ फाउंड टू बी 0 degrees Celsius. हमने क्या नोट किया है कि इस थर्मोमीटर पे जो टेम्परेचर रीडिंग आ रही है वो क्या है? 0 degrees Celsius. वी नाउ हीट द आइस जेंटली. अब हम क्या करेंगे? आइस को हीट करेंगे. आइस को हीट करेंगे बाय यूजिंग ए स्मॉल फ्लेम ऑफ द बर्नर. जब हम उसको हीट कर रहे हैं आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. आइस क्या होगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. वी कीप ऑन रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस ऑन द थर्मोमीटर एवरी मिनट. अब हम हर मिनट में चेक करेंगे कि थर्मोमीटर पे क्या टेम्परेचर आ रहा है जब आइस मेल्ट हो रहा है. जैसे हम और ज़्यादा हीट गिवन करेंगे, रिक्वायर करेंगे, और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे उतनी और ज़्यादा आइस जो है मेल्ट होगी और वो पानी बन जाएगा. बट जो थर्मोमीटर की रीडिंग है हम चेक कर रहे हैं कि वो सेम आ रही है, 0 degrees Celsius ही है. एज लॉन्ग एज देयर रिमेन्स इवन ए लिटल ऑफ आइस इन द बीकर द टेम्परेचर डज नॉट राइज. जैसे हम और हीट पास करते जा रहे हैं और आइस जो है वो मेल्ट होता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो रहा, वो 0 degrees Celsius ही है. ये हमें शो करता है कि देर इज़ नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस. कि जब आइस मेल्ट हो रही है तो टेम्परेचर जो है बिल्कुल भी राइज नहीं हो रहा. इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग ऑन फर्दर हीटिंग. इट इज़ ओनली व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड. जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग ऑन फर्दर हीटिंग. ये तभी होगा जब हम वाटर में हीट पास करेंगे, जो वो वाटर जो आइस से मेल्ट होकर लिक्विड बना है. द हीट विच इज़ गोइंग इन टू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर. जो हीट हमने पास किया वो सारी हीट जो है वो आइस में चली गई है और उससे टेम्परेचर जो है राइज नहीं हुआ. इसका कारण क्या होता है कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है आप उसको हीट कर रहे हो तो सॉलिड सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बेहद क्लोज होते हैं. जब आप सॉलिड पार्टिकल्स में हीट ट्रांसफ़र करते हो तो ये पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे को रिजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से दूर ना जाए. तो जैसे ही इन दोनों में हल्की सी मूवमेंट आती है तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है. लेकिन इनकी जो वेलोसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, दैट इज़ वेरी लेस. और इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज़ वेरी लो काइनेटिक एनर्जी. तो इसकी वजह से जो सारी हीट होती है वो सारी हीट जो हमने इसको पास की है सॉलिड सब्सटेंस को, मींस आइस को पास की है, वो सारी हीट जो है वो मेल्ट होने में लग जाती है. तो उससे टेम्परेचर जो है बिल्कुल राइज नहीं होता. इसलिए हम कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है वो 0 degrees Celsius होता है. द हीट विच इज़ गोइंग इन टू द आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज़ द एनर्जी. इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. इसकी जो हीट एनर्जी है वो बस वहीं पे यूज़ हो रही है कि जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर बन गया है. ठीक है, दिस इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें
उस टर्म को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यही उसकी डेफिनेशन थी। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन को और ध्यान से समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जाउल्स। जो हीट के यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, SI यूनिट, दैट इज जाउल्स। कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट है कि हम 1 किलोग्राम के सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें बिना कोई टेम्परेचर चेंज हुए, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट किया कि जो हीट हमने गिवन की है आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हीट कितनी है, 3.34 मल्टीप्लाई 10^5 जाउल्स। इतनी हीट जो है आपने पास की है ताकि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, एंड द टेम्परेचर जो है उसका रिमेन सेम रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस है वो क्या होती है, कितनी होती है उसकी, 3.34 मल्टीप्लाई 10^5 जाउल्स पर किलोग्राम। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। वी हैव जस्ट सीन दैट व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। ये आपने लिखना है यहाँ पे। जब हमने अभी देखा है कि जब सॉलिड कोई मेल्ट होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो सारी हीट एनर्जी जो आपने प्रोवाइड की है वो हीट एनर्जी गई कहाँ पे? एक्चुअली जो हीट एनर्जी थी वो सारी यूज्ड अप हो गई चेंजिंग द स्टेट ऑफ द सॉलिड बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब ये जो सारी हीट एनर्जी है कहाँ पे चलेगी, आइस में चली गई, आइस के पार्टिकल्स में चलेगी। जो जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए वो सारी हीट एनर्जी जो है चली गई वहाँ पे, ताकि वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। ये जो पॉइंट है और क्लियर होगा आपको जब आप आगे पढ़ोगे। वी विल नाउ डिस्कस वाई द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट राइज। हमने इस बात को डिस्कस करना है कि टेम्परेचर जो था वो क्यों नहीं बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ जब हमने सॉलिड में हीट ट्रांसफर की और उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आइस क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। सो द पार्टिकल्स ऑफ आइस अट्रैक्ट वन अनदर विद स्ट्रोंगर फोर्सेज। आइस क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है, और सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उनकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। दीज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड इन ए सॉलिड आइस। ये क्या करते हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है पार्टिकल्स में, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर क्या रहे हैं, ये पार्टिकल्स को होल्ड करके रख रहे हैं कि वो एक दूसरे से दूर ना जाए। द हीट विच वी सप्लाई टू द आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग इज ऑल यूज अप टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स, सो दे बिकम समवट लूज एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। अब जो हीट हमने सप्लाई की है आइस को ड्यूरिंग मेल्टिंग, ये सारी हीट एनर्जी यूज हो गई है टू ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फिर क्या होगा कि ये पार्टिकल्स जो एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड है, हल्का सा इनमें लूज होना शुरू हो जाएंगे और ये क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। दिस हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। इस जो हीट एनर्जी आपने सप्लाई की है इससे पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती, इस वजह से इसका कोई टेम्परेचर जो है राइज नहीं होता। बट व्हेन ऑल द आइस हैज़ मेल्टेड टू फॉर्म वाटर, जब सारी आइस मेल्ट हो जाती है और वाटर बन जाती है, ऑन फर्दर हीटिंग इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर पार्टिकल्स। जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तब पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है, उससे क्या होता है टेम्परेचर शार्पली राइज होता है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है 3.34 मल्टीप्लाई 10^5 जाउल्स पर किलोग्राम होती है। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन वी होल्ड ए पीस ऑफ आइस इन अवर हैंड इट फील्स कोल्ड। जब हम आइस के पीस को होल्ड करके रखते हैं अपने हैंड में तो हम कोल्ड फील क्यों करते हैं, उसका कारण ये है। द पीस ऑफ आइस हेल्ड इन अवर हैंड, जो आइस हमारे हैंड में हमने हेल्ड करके रखा हुआ है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और वो क्या करता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी हीट है उसको यूज्ड अप कर लेता है टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स।
फिर वो लूज होना शुरू हो जाते हैं और मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको जो हीट एनर्जी मिली है वो हमारी बॉडी में से मिली है, इसलिए हम वो सारी हीट एनर्जी जो हमारी बॉडी में से लेके उस आइस को मेल्ट करते हैं तो हमें क्या फील होता है, कोल्ड फील होता है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट एब्जॉर्ब्स हीट टू फॉर्म लिक्विड, जब एक सॉलिड मेल्ट होता है तो वो सारी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं टू फॉर्म लिक्विड। लेकिन इसका एक रिवर्स भी है जो ट्रू है, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड भी बनता है। जब हम किसी लिक्विड को फ्रीजर में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में, तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। व्हेन ए लिक्विड फ्रीज टू फॉर्म ए सॉलिड एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन आउट, उसके लिए क्या होता है कि उसके उसमें से उतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है हमने निकालनी होती है, जैसे सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो हीट एनर्जी हमने पास की, अब उसमें हीट एनर्जी है, लेकिन जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे उसमें जो हीट है वो हम लिक्विड से बाहर निकालेंगे ताकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, लिक्विड को गैस में चेंज करना, लिक्विड को गैस में चेंज करना, उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। वी टेक सम वाटर इन ए बीकर, हमने एक बीकर में वाटर रखा, उसमें सस्पेंड कर दिया थर्मोमीटर, हमने उस वाटर को हीट किया बाय यूजिंग ए बर्नर और हमने टेम्परेचर नोट किया आफ्टर एवरी मिनट। जब हमने हीट देना शुरू किया वाटर को, जो टेम्परेचर था वाटर का वो एकदम से राइज हो जाएगा और वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, थर्मोमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी। जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा टेम्परेचर, वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और बॉयल होके वो क्या हो जाएगा, उसकी स्टीम बननी शुरू हो जाएगी, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा और आप हीट गिवन दोगे वाटर को उतनी ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो थर्मोमीटर की रीडिंग होगी वो कांस्टेंट रहेगी उस टाइम 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमने सिर्फ उसको वेपर्स में कन्वर्ट करना था। तो जितने मर्जी वेपर्स बने, जितनी मर्जी हीट ट्रांसफर करते रहो, जितनी ज़्यादा मर्जी वेपर्स बनाते रहो, लेकिन जिस पॉइंट पे वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे वो पॉइंट कहाँ पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद चाहे जितने मर्जी वेपर्स बने, जितनी मर्जी आप हीट ट्रांसफर करो, जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, showing that उसके बाद there is no rise in temperature during the boiling of water. Once the water has begun to boil, the temperature remains constant at 100 degree Celsius until all the water has changed into steam. चाहे सारी सारा water चाहे steam में convert हो जाए, लेकिन उसका जो temperature है वो क्या रहेगा, 100 degree Celsius रहेगा। The heat which is going into the boiling water but not increasing its temperature is the energy required to change the state from लिक्विड टू गैस, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कहते जो हीट आपने गिवन दी है, प्रोवाइड की है, ओनली फॉर टू चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, ओके, ओनली फॉर चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस वेपर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। अब इसकी डेफिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जाउल्स, हीट के एसआई यूनिट क्या होते हैं, जाउल्स, कितनी हीट आपने गिवन दी है, कितनी आपने प्रोवाइड की है कि जो 1 किलोग्राम का लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर्स और गैस में, बिना टेम्परेचर के चेंज हुए, टेम्परेचर रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितनी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुई है, 22.5 × 10^5 जाउल्स पर किलोग्राम। तो आपने ये वैल्यू जो है याद रखनी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की हमने कांस्टेंट वैल्यू देखी थी। जितनी हीट एनर्जी आपने सप्लाइड की बॉइलिंग लिक्विड को ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है, ये सेम वही डेफिनेशन है कि जो उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से और चेंज क्यों नहीं होता, ताकि जितनी हीट एनर्जी हमने देनी थी वो सिर्फ चेंज ऑफ लिक्विड टू गैस के लिए देनी थी, उसके बाद जो हमने जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड की उसका कोई वो नहीं है, जितनी हीट एनर्जी हमने दी है वो बस इसलिए दी है ताकि ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। व्हाई द टेम्परेचर डज नॉट राइज, जब वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर क्या है, एक लिक्विड सब्सटेंस है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को विद सर्टेन फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड स्टेट में
द हीट विच जब हम उसको सप्लाई करते हैं टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी भी हो रही है सॉलिड से, सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी सी कम होती है, और जितनी भी होती है उसको और ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, ताकि वो जितनी वो ब्रेक होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगी, फिर पार्टिकल्स जो हैं वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक और एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हैज नो राइज, उस जब वो बॉयल हो जाता है, जब वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि उस जितनी होनी उस वेपर्स जो बनने थे वो बन के बन चुके थे जितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी। इफ़ वी लिटल पुट ए लिटल स्पिरिट एट द बैक ऑफ अवर हैंड एंड वेव इट अराउंड, जब हम लिटल ऑफ स्पिरिट अपने बैक ऑफ हैंड पे डालते हैं, वेव इट अराउंड, द स्पिरिट इवेपोरेट्स रीडली, जो जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट होती है हमारी बॉडी में, वो सारी हीट जो है वो स्पिरिट जो है उसको ओवरकम कर लेता है, और हमारी बॉडी जो है फिर कोल्ड फील करती है, और वो वेपर्स बन के जो है वो चले जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द स्पिरिट नीड्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, स्पिरिट जो है वो सारी लेटेंट हीट वेपराइजेशन अपनी हैंड में ले लेता है, इसलिए जो हमारा हैंड है वो सारी हीट लूज कर जाता है और हमें कोल्ड फील होता है। व्हेन वाटर चेंजेस इनटू स्टीम इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट, बट व्हेन स्टीम कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर एन इक्वल अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट इज गिवन आउट, जब अब देखो हमने लिक्विड से स्टीम कन्वर्ट की, उसी स्टीम से हम लिक्विड कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडेंसर, कंडेंस हो सकता है वेपर्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी हीट आपने गिवन दी है लिक्विड को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, उतनी हीट आपको उस वेपर से लेनी पड़ेगी ताकि वो वेपर्स जो हैं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका जो रिवर्स भी होता है हमारे पास,